जिला सोलन मुख्यालय के साथ लगते क्षेत्र देवघाट में स्थित सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में मनाए जाने वाले प्राचीन व ऐतिहासिक मेला कोविड 19 महामारी के चलते दूसरे वर्ष भी मात्र परंपराओं का ही निर्वाहन किया गया, जिसमें सिद्ध बाबा बालकनाथ मेला कमेटी के प्रधान रणजीत वर्मा सहित अन्य सदस्यों द्वारा मंदिर में बाबा बालकनाथ जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात मंदिर परिसर में अखाड़ा पूजन करके मात्र परंपराओं का निर्वाहन किया गया, ताकि बाबा बालकनाथ जी की कृपा क्षेत्र वासियों पर सदैव बनी रहे। तभी इस मेले में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते थे, भक्तों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता था। वहीं पूरा बाजार झूलों, मिठाइयों व अन्य सामान से पूरी तरह से भरा होता था, लेकिन इस वर्ष परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ रस्में पूरी की गई हैं। गत वर्ष भी ये मेला नहीं मनाया जा सका, क्योंकि कोरोना महामारी बहुत चरम सीमा पर फैली हुई थी, और इस वर्ष भी दूसरी बार ये मेला जो है वो कोविड 19 की भेंट चढ़ गया। जैसा कि सरकारी नियमों के अनुसार अभी कोई भी परिसर, मंदिर परिसर खोलने की इजाज़त नहीं है, तो हमने उसी का पालन करते हुए प्रबंधक कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हम मंदिर को बंद रखेंगे और इस वर्ष का मेला जो है वो नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि मंदिर सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी मंदिर बंद है, परंतु सभी लोगों की, भगत जनों की बड़ी आस्था इसमें है, फिर भी उसके पश्चात भगत जन यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर बंद है, अपनी श्रद्धा अनुसार माथा टेक कर यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारा भगवान से भी यही प्रार्थना है, बाबा बालकनाथ जी से, कि इस बीमारी से जल्दी निजात पाए। इस अखाड़े का पूजन हर साल किया जाता है, यह हमारे कमेटी के प्रधान जी और मनीष जी और मैं दो तीन ही आदमी कोविड की वजह से इसका पूजन करवाते हैं, जो कि एक परंपरागत सदा से होता है। बिल्कुल सूक्ष्म से रूप से दो बच्चों की कुश्ती कराई गई, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से कोविड के चलते हुए कानून का पालन करते हुए हम लोगों को भी इसकी इसी वजह से ये छोटा से छोटा करना पड़ता है। एनस्टार न्यूज़ के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट।